हेलो गाइस, कैसे हैं? संध्या अगेन। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आगे के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक बार न्यूजीलैंड पहुंच जाते हैं, ऑकलैंड पहुंच जाते हैं, वेलिंगटन पहुंच जाते हैं, तो कस्टमर्स वगैरह कस्टम्स क्लियर करने के बाद आप जब बाहर रहते हैं, जाते हैं एयरपोर्ट के, तो क्योंकि आप नए होते हैं कंट्री में तो आपको उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता कि कौन सी कैब बुक करनी चाहिए, क्या क्या एप्लीकेशन होंगे एक नई कंट्री में। तो अगर ये सब चीज़ें आपको पहले से पता हो तो वो आपके लिए बेटर होता है सिचुएशन। हमारे केस में जब हम लोग उतरे थे वेलिंगटन एयरपोर्ट के बाहर में, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि कैसे कैब बुक करना है, क्या करना है। तो वही एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आपको पता हो कि आप एक बार आएँ बाहर तो जनरली क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप कैब बुक कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब आप बाहर आते हैं किसी दूसरी कंट्री से तो आपके पास लगेज काफ़ी सारा होता है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो लगेज अगर आप कैब बुक करें तो उसमें फिट ना हो। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसको कहते हैं सुपर शटल। तो आप उनकी वेबसाइट में जा सकते हैं, यहाँ लैंड होने के एक घंटे पहले आप देख सकते हैं कि आपके डेस्टिनेशन में सुपर शटल करके जो सर्विस है वो अवेलेबल है कि नहीं। तो ये सुपर शटल क्या है? कुछ नहीं है, बस एक शटल जैसी बड़ी सी गाड़ी होती है जिसमें आपको पर पर्सन के अकॉर्डिंगली प्राइस लगता है, एक लिमिट के अकॉर्डिंगली लगेज यहाँ पे मतलब आप रख सकते हैं अपने लगेज के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पर पर्सन $12 लग रहा है आपके डेस्टिनेशन के लिए, तो उसके साथ आप दो लगेज कैरी कर सकते हैं। एडिशनल लगेज अगर आपको कैरी करना है शटल के लिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन सबसे चीपेस्ट ऑप्शन यही है यहाँ पे न्यूजीलैंड में। अगर आप बहुत सारा लगेज लेके आ रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं, तो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन यही है। दूसरा क्या है, जैसे ही आप स्टेशन के बाहर खड़े रहेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी सी लाइन कैब्स की दिखेगी, तो वहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैब्स होती हैं, उनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी होता है, जनरली यहाँ पे बोलते हैं कंबाइंड टैक्सीज। तो आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करके भी टैक्सीज वो बुक कर सकते हैं पहले, या तो आप उनके पास जा सकते हैं, अपनी सिचुएशन बता सकते हैं, तो वो आपको एकोमोडेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जनरली क्या होता है, हर एक कैब मीटर बेसिस पे चलती है, तो मीटर आपके किलोमीटर्स कैलकुलेट करता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको डॉलर्स में पे करना होता है। एक बात जो यहाँ पे आपको नोट करनी चाहिए वो क्या है कि यहाँ पे मीटर्स तब भी चलता रहता है अगर आपकी कैब रुकी है। तो हमारे केस में क्या हुआ था, हमें सुपर शटल के बारे में उतना पता नहीं था, तो हमने दो कैब्स की थी क्योंकि हमारे पास लगेज काफ़ी सारा था। तो दो कैब्स हमने की थी और हम फिर अपने डेस्टिनेशन में जब जा रहे थे तो हमने देखा कि जो डिफरेंट स्टॉपेज हो रहे थे और वहाँ पे जब हमारी कैब स्टॉप हो रही थी तब भी मीटर चलता जा रहा था। तो एक ये ट्रिक है जो कि आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आप रुके हुए हैं और आपका मीटर चलता जा रहा है तब भी आपको मतलब डॉलर्स में पे करना होता है, तो डैट इज़ वन थिंग। और डिफरेंट ऑप्शंस क्या है, कीवी टैक्सीज भी है, उनका भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप जाके अपनी प्री बुकिंग्स कर सकते हैं। तो बेसिकली ध्यान में रखिए कि जब आप पहुंच रहे हैं वेलिंगटन स्टेशन में, वेलिंगटन एयरपोर्ट के बाहर, तो दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो प्रीपेड टैक्सी होता है जो कि आप बुक कर सकते हैं, और वेरियस टाइप ऑफ प्रीपेड टैक्सीज जो यहाँ पे अवेलेबल हैं वो कंबाइंड टैक्सीज हैं, कीवी टैक्सीज हैं, इन सब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है। और सबसे चीपेस्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे सुपर शटल है, उसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, एक शटल की तरह होता है, उसमें तीन फैमिली मेम्बर्स आराम से तीन सीट में आप बैठ सकते हैं, और उनके पास काफ़ी सारा बड़ा एरिया होता है जहाँ के आप अपना बहुत सारा लगेज भी रख सकते हैं। तो दिस वॉज अबाउट लाइक हाउ डू यू बुक योर टैक्सी वंस यू रीच इन वेलिंगटन। आगे के वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कि जब आप आते हैं न्यूजीलैंड तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको आते ही वेलिंगटन या ऑकलैंड में कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी आपके आगे के डिफरेंट प्रोसीजर्स में होती है, जैसे कि आपका सैलरी अकाउंट खोलना,
जो कि एम्प्लॉयर को नीडेड होगा, IRD नंबर खोलना, बैंक अकाउंट खोलना, तो ये सब प्रोसेस के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और आज का वीडियो मैं यहाँ हार्बर से बना रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे कितनी सारी शिप्स खड़ी हुई हैं। बहुत प्यारा सा नज़ारा है, मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।